आपका अहम आप पर हावी होने लगे, तो गांधी जी का एक जंतर याद रखना जो हमारी एनसीईआरटी की सारी किताबों में लिखा हुआ है, जब कभी भी आप दुविधा में हैं, संदेह में हैं, आपका अहम आप पर हावी हो रहा है, तो याद करना उस व्यक्ति की तस्वीर को जो कमजोर है, बेबस है, गरीब है, जिसका पेट खाली है, जिसकी आत्मा अतृप्त है। आप ये सोचिएगा कि जो स्टेप आप, आपकी पीठ थपथपाई जानी चाहिए और आपकी सफलता का भी जश्न मनाया जाना चाहिए। एक बार करियर भी के लिए तालियां हो जाएं और तालियां भी जोरदार होनी चाहिए, आजादपुर तक आवाज जाए। मैं ये देख रहा था कि आज जो फेलिसिटेशन इवेंट है उसमें तीन पोस्ट हैं, हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल है, कांस्टेबल ड्राइवर है, AWO TPO है। देखिए, कांस्टेबल ड्राइवर की जो पोस्ट होती है ना, बड़ी जिम्मेदारी वाली पोस्ट होती है। आप पूरे ट्रिप को लेके चलते हैं, आप पूरे ट्रिप को जिता भी सकते हैं, हरा भी सकते हैं, सब आपके स्टीयरिंग में है। कोई कितना भी सीनियर अधिकारी हो, वो जब तक एक कदम आगे नहीं बढ़ा पाएगा जब तक आप अपनी गाड़ी में चाबी नहीं लगाएंगे, है ना। तो कांस्टेबल ड्राइवर की पोस्ट ऐसी होती है। हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल की अगर बात की जाए, देखिए मैं ये सब इसलिए बता पा रहा हूं क्योंकि मैं 4 से 5 साल खुद बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स में इंस्पेक्टर की पोस्ट पर रह के आ चुका हूं, अब आप लोगों को पढ़ा रहा हूं। हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्री की जो जॉब होती है बहुत ही जिम्मेदारी वाली पोस्ट होती है, आपका क्लरिकल वर्क रहता है। आपको ये इंश्योर करना है कि जो आपको ये पद मिला है, ये पद नहीं है, पद से ज्यादा भारत सरकार ने आपके कंधे पर ये दायित्व आपको थमाया है। तो आप इसको पद मानते हैं, दायित्व मानते हैं? दायित्व मानते हैं, उसी जिम्मेदारी से उसका निर्वहन करना है। हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल को ये इंश्योर करना है कि आपकी वजह से, आपके फाइल वर्क के डिले होने की वजह से किसी की छुट्टी ना रुके, किसी की पेंशन ना रुके और किसी की सैलरी ना रुके। क्लियर है कि कितने लोगों का हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल में हुआ है, क्या बात है। तो यहाँ पे काफी सारी लड़कियां भी मैं यहाँ पर देख रहा हूं। जब लड़कियों को यूनिफॉर्म जॉब में देखते हैं तो लड़कियों के बारे में 4 पंक्तियां हैं वो मुझे बड़ी याद आ जाती है और बड़ी अच्छी लगती हैं, बार बार उनको दोहराता हूँ और आज भी मैं उसको दोहराऊंगा कि नारी प्रीत में राधा बने, नारी प्रीत में राधा बने, गृहस्थी में बने जानकी, काली बनकर शीश काटे, जब बात हो सम्मान की, जब बात हो सम्मान की। तो लड़कियों को अगर सबसे बड़ी कोई चीज देनी है तो वो सम्मान होता है। जब उनको आप सम्मान देते हैं तो आप खुद सम्मानित होते हैं और जब आप खुद सम्मानित होते हैं तो पूरा देश सम्मानित होता है। इसके साथ साथ तीसरी पोस्ट है दिल्ली पुलिस AWO TPO, असिस्टेंट वायरलेस ऑपरेटर और टेलीप्रिंटर ऑपरेटर। ये भी बहुत जिम्मेदारी वाला पद होता है। जितनी भी कम्युनिकेशन है दिल्ली में, है ना, यहाँ से यहाँ मैसेज पहुँचाना है, यहाँ से यहाँ मैसेज पहुँचाना है, तो ये बहुत ही जिम्मेदारी वाला पोस्ट है, आपको बहुत अच्छे से इस काम को करना है। देखिए, कांस्टेबल की जो पोस्ट होती है किसी भी फोर्स में, वो सबसे पहला पायदान होता है किसी भी डिपार्टमेंट में। तो आप ये बिल्कुल मत सोचिएगा कि आपका सबसे पहले पायदान का पद है, नहीं, आप कड़ियां हैं, आप पूरे दिल्ली पुलिस की, पूरे फोर्सेस की कड़ी हैं, जिन कड़ियों को मिलाकर पूरा डिपार्टमेंट बनता है। ये बिल्कुल उसी तरह से है कि एक पुल बनाया गया, पुल का उद्घाटन तो अपने मिनिस्टर साहब करेंगे आके, लेकिन उस पुल को बनाया है हम लोगों ने। एक बात बताइए, अगर हम लोग जो पहले दूसरे पायदान पर रहते हैं किसी डिपार्टमेंट में, अगर पुल में 2 पेज कम लगा दे तो भाई साहब काम खराब है। तो इस जिम्मेदारी को समझना है और आगे बढ़ना है, है ना। तो फेलिसिटेशन इवेंट के लिए आज हम सब लोग यहाँ पे एकत्रित हुए हैं। फेलिसिटेशन इवेंट का सबसे बड़ा उद्देश्य ये होता है कि आपको बताया जाए कि आपने तैयारी की है, बहुत अच्छा काम किया है, सिलेक्शन लिया है, आपकी पीठ थपथपाई जा रही है, उसके साथ साथ आपको ये भी बताया जाए कि वर्दी पहनने के बाद आपको क्या करना है। एक छोटी सी स्टोरी है जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगा। एक व्यक्ति होता है,
सुबह सुबह डेली वॉक पर जाता है ना, वो देखता है कि एक व्यक्ति दूसरा व्यक्ति अपने डॉग को रोज लेकर पार्क में आ रहा है और बॉल को ऐसे फेंकता है और डॉग उसको पकड़ने के लिए भागता है। अब भाई बॉल फेंकने की जो स्पीड है वो तेज होती है, डॉग पीछे रह जाता है बार बार। ऐसा दो दिन तक हो गया, तीन दिन तक हो गया, तो वो जो व्यक्ति वॉक करने जाता था वो कुत्ते वाले से पूछता है कि क्या कभी ऐसा हो पाएगा कि ये डॉग, ये कुत्ता इस बॉल को पकड़ पाएगा। तो डॉग वाला व्यक्ति बोलता है कि बस आपने यहीं तक सोचा कि क्या वो बॉल को पकड़ पाएगा या नहीं पकड़ पाएगा, मैं तो ये सोच रहा हूं जिस दिन बॉल उसके पकड़ में आएगी तो उसके बाद वो क्या करेगा। तो वो सोच जो उस आदमी की थी, वो सोच आपकी होनी चाहिए, वो सोच आपकी होनी चाहिए कि सिलेक्शन तो ले लिया है, अब इसके बाद हमें क्या करना है। दिल्ली पुलिस की वर्दी आपके तन पर आएगी, कभी कभी आपको अहम महसूस होगा कि हाँ हम ही सर्वे सर्वा हैं। तो हमेशा एक बात याद रखना, जब कभी भी आपको संदेह हो, आपका अहम आप पर हावी होने लगे, तो गांधी जी का एक जंतर याद रखना जो हमारी एनसीईआरटी की सारी किताबों में लिखा हुआ है। जब कभी भी आप दुविधा में हैं, संदेह में हैं, आपका अहम आप पर हावी हो रहा है, तो याद करना उस व्यक्ति की तस्वीर को जो कमजोर है, बेबस है, गरीब है, जिसका पेट खाली है, जिसकी आत्मा अतृप्त है। आप ये सोचिएगा कि जो स्टेप आप लेने जा रहे हैं वर्दी पहनकर, क्या उस स्टेप से उस गरीब व्यक्ति को फायदा होगा। अगर आप इतना सोचते हैं तो यकीन मानिए आपका संदेह धीरे धीरे मिट जाएगा और आपका अहम भी समाप्त हो जाएगा। तो गांधी जी का ये मंत्र याद रखोगे, यस और नो? बोलो भारत माता की। मजा नहीं आया भाई, आवाज गूंज जानी चाहिए भाई साहब पूरे पूरे के पूरे इस एरिया में। तो फिर भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, क्या बात है।